सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप अपने वेबसाइट ब्लॉग के लिए लोगो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमने यहाँ पे लोगो नहीं लगाया है और यहाँ पे भी हमारा जो ये होता है ये ब्लॉगर का ही सैम्बल यहाँ पे दिख रहा है, जबकि हमारा टेक्नोलॉजी टिप्स इसराइल में लोगो भी लगा हुआ है और सब चीज़ लगा हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लोगो भी लगा के रखा है, एकदम प्रोफेशनल लोगो, जबकि मैंने इसे पिक्स आर्ट से बनाया है। इसमें बहुत मेहनत लगता है दोस्तों और आपको मैं आपको एक सिंपल सा प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा यहाँ पे ब्लॉगर का जो सैम्बल होता है हट गया, इससे लोग पता भी नहीं लगा पाएंगे कि ये जो वेबसाइट है ये कहाँ से बनाया गया है, ब्लॉगर से बनाया गया है या वर्डप्रेस से। ठीक है, तो ये आपके वेबसाइट के लिए एक प्रोफेशनल लुक देता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि आप अपने वेबसाइट में इस तरह का लोगो वगैरह यहाँ पे लगाइए। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ये सब चीज़ को सीखेंगे कि ऑनलाइन फ्री में बिना कोई वाटरमार्क का हम लोगो कैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो ये सब दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसी तरह का टिप्स एंड ट्रिक्स ब्लॉगिंग के बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों और सीखना चाहते हैं वेबसाइट ब्लॉग को फ्री में कैसे बना सकते हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर आपको ये वाला वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली जैसे इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों और यहाँ पे आपको कोई किसी तरह का लॉगिन साइनअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको अभी मैक ए फ्री लोगो के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए वेबसाइट लोडिंग हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी लेकिन ये लोडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर फाइनली हमारा वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ये सब में से भी अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको एक यहाँ पे इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और गेट यहाँ पे स्किप कर दूंगा। ठीक है, स्किप करने के बाद ये डायरेक्टली हमारा ये लोगो यहाँ पे डिज़ाइन होने के लिए तैयार है और ये देख सकते हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे इसका सैम्पल आ चुका है, अब मैं इसे किसी भी हिसाब में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो फाइनली पहले मुझे यहाँ पे इसका नाम देना है, तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करने के बाद सैम्बॉल यहाँ पे इसको मिटाने का ऑप्शन आ जाता है। तो हमारे ब्लॉग का नाम क्या है, ब्लॉगिंग सीखें हिंदी में। तो सिंपली मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं सिंपली पहले इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो सिंपली यहाँ से इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसका फॉन्ट वगैरह भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डॉट है, तो ये डॉट तो हो गया। अब इसी तरह से आप यहाँ पे इसे इसका फॉन्ट को भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोल्ड हम दे देते हैं या कोई और डिजाइन देना चाहते हैं तो यहाँ से इसे भी दे सकते हैं। ये देखिए अप्लाई हो रहा है और यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया ये, तो हम लोग इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ नया देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, या इसके ऊपर भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ से इस उठा करके डायरेक्ट आप दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ यहाँ पे इसके ऊपर कुछ देना ज़रूरी है, तो ये सब मैं नहीं दूंगा। अब सिंपली यहाँ पे भी हम कुछ देना चाहते हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारे ब्लॉग में क्या क्या है। तो इंटरनेट की जानकारी पूरी हिंदी में इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि थोड़ा सा हमारा ब्लॉग लगे कि हाँ भाई किससे रिलेटेड है क्या है। तो इसमें मैं फॉन्ट जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, सिंपल सा एक फॉन्ट मैं लूँगा जो
जर्नली यहाँ पर इसको मैं लेता हूँ और मैं अप्लाई करता हूँ। कोडा, कोडा नाम है इस फाउंड का, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोडा नाम से आ चुका है और अप्लाई भी हो चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जितना अच्छा से यहाँ पे टाइम दीजिएगा, एडजस्ट करना है, हम यहाँ पे फटाफट एडजस्ट कर लेते हैं, बस यहाँ पे आपको एडजस्ट ही करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर दिया था कि आप लोग अपने हिसाब से जितना अच्छा से कीजिएगा उतना अच्छा आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। फॉन्ट वगैरह सब चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे कलर का बात है, तो यहाँ से बैकग्राउंड आप यहाँ इसका चेंज कर सकते हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग जितना टाइम दीजिएगा उतना अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड हमने लगा दिया, तो मुझे अब इसे ट्रांसमिट ही रखना है ताकि मैं अपने लोगो लगा सकूँ उसमें। अब मैं इसका कलर, फॉन्ट का कलर यहाँ से भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं इसे रेड रखता हूँ और मैं इसे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसे ब्लू कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे में इसका लाइव भी दिखता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू हो गया। आप इसको जितने अच्छे से कीजिएगा उतना अच्छा से बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ से फ्री में बना सकते हैं बिना कोई वाटर मार्क का दोस्तों। अब सिंपली हम लोग इसे लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप का वेबसाइट है तो ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको टी शर्ट में भी देख लीजिए लगा सकते हैं, ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप लोग इसे यहाँ पे फ्री में बना सकते हैं। तो सिंपली मेरा यहाँ पे बन के तैयार है, डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये कोड को भी अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं, लेकिन सिंपली हमें डाउनलोड करना है। डाउनलोड जब दोस्तों आप लोग कीजिएगा तो ये जिप फाइल में होगा, आपको इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो आपको बोला जा रहा है अपग्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब चीज़ फ्री में है। तो सिंपली हम लोग डाउनलोड जहाँ पे किए हैं वहाँ पे उसका लोकेशन यहाँ पर से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। यार मैं आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा और दूसरे वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये लोगो भी लगा के दिखाऊंगा कि कैसे लगाते हैं। यार देखिए जीप फाइल में है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप पे हमारा यहाँ पे है, कहाँ गया, हाँ यहाँ है। हम लोग सिंपली इसे एक बार ओपन करके मैं आपको यहाँ पे लाइव भी दिखाऊंगा कि ये लोगो हमारा किस टाइप से डिजाइन हुआ है, डिज़ाइन हुआ है। सिंपली हम लोग यहाँ पे इसे ओपन करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ओपन करेंगे इसे, ठीक है। सिस्टम हमारा थोड़ा स्लो हो गया है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत देर से नेट भी चल रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लोगो यहाँ पे लाइव है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख भद्दा टाइप का लग रहा है ऊपर में, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग दूसरे वीडियो में, ठीक है। आप लोग पेशेंस रखिए, मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, इसी तरह का वीडियो अगर देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, मैं यहाँ पे हर एक चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आता रहूँ दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।